हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ककोड़े की सब्ज़ी। और ये हमने काट लिया है इनको, और प्याज काट लिया है लंबा लंबा। और अभी हम रख देते हैं कढ़ाई, और इसमें डाल देते हैं तेल। और ये तेल गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें हम डाल देते हैं जीरा। और जीरा को ब्राउन होने पर हम इसमें डालेंगे अपने लंबे कटे हुए प्याज। और अभी इनको हम भून लेते हैं, और साथ में हम डालेंगे ग्रीन चिली भी, जिनको हमने बीच में से कट कर लिया है। तो अभी हम इनको भून लेते हैं ब्राउन होने तक। और बस यहाँ पर अभी हम डाल देते हैं गार्लिक पेस्ट, और अभी इसको भी स्मेल जाने तक, कच्ची जो स्मेल होती है उसकी, तो उसको पकाने तक, जब तक हो जाती है, उसको भून लेते हैं। और बस यहाँ पर इनको ऐसे हिलाते हुए अभी हम भून लेंगे। देखो हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है ये प्याज। और भी हम इसमें अपने सूखे मसाले डाल देंगे। उसमें हम डालते हैं अब हम हल्दी, और अभी इसको डालेंगे हम सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और अब इनको चला लेते हैं, मसालों को पका लेते हैं, सूखे मसालों को प्याज के साथ। और कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। और भी इसमें डाल देते हैं कटे हुए टमाटर, जिनको हमने चॉप कर लिया था। और भी इनको भी पका लेते हैं सॉफ्ट होने तक इसके साथ ही। और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। इसमें ककोड़े जब साफ़ करते हैं तो कुछ पके हुए भी निकल जाते हैं, और उनको निकालना पड़ता है, और कुछ कच्चे होते हैं। और अभी हम इसमें डाल देते हैं अपने ये ककोड़े, क्योंकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे। और अभी ये ककोड़ों को इसमें डाल दिया। और अभी इसमें डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम इसमें नमक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी अच्छा लगता है। और अभी इनको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और फिर इसमें हम बाद में थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे पक जाए, जले नहीं, ताकि नीचे ना लग सके। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और भी इसको हम ही ढक्कन लगा के पका लेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। और अभी इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी देखिए पक चुकी है, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और ये भी रेडी हो चुकी है। Thank you.